वेलकम। साइंस की मेरी सीरीज में आज के लेक्चर का टॉपिक है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि इस बात की थ्योरी है कि भाई लाइफ इस धरती पर कैसे चालू हुई। देखिए कि कोई भी स्पीशीज जो है वो तब तक आप नहीं कह सकते कि ट्रूली इंटेलिजेंट हो गई है जब तक कि वो ये ना सोचना चालू कर दे कि हम आए कहाँ से हैं। कंप्यूटर तब मैं मानूंगा कि इंटेलिजेंट हो जाए जिस दिन एक पहला कंप्यूटर ये सोचना चालू करेगा कि मुझे बनाया किसने है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके कई आंसर पॉसिबल हैं रिलीजियस से लेकर साइंटिफिक तक। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि साइंस का इस बारे में क्या कहना है। कई पॉसिबल हाइपोथेसिस हैं। पहली ये कि लाइफ जो है वो हमेशा से इस प्लेनेट पर रही है या फिर यूनिवर्स में कहीं और रही है। दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि जो है लाइफ हमेशा से नहीं रही, एक सम पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में भगवान ने या किसी एक्सटर्नल सोर्स ने लाइफ को बनाया है। तीसरी हाइपोथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक लाइफ जो है किसी ने नहीं बनाई, लाइफ सिंपल एटम से ग्रो करते करते इवॉल्व होते होते कॉम्प्लेक्स होती गई और ऑर्गेनिज्म जो हैं कॉम्प्लेक्स होते गए, इवेंचुअली वो इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि लाइफ की वो ह्यूमंस बन गए, मतलब लाइफ अपने आप इवॉल्व हुई है। पहली हाइपोथेसिस की बात करें तो ये फिलोसफिकली मुझे थोड़ी परेशान देने वाली लगती है कि भाई हम हमेशा से यहाँ पर हैं, किसी ने हमको नहीं बनाया, कोई कॉज नहीं था, मतलब हमेशा से हम यहाँ पर हैं। फिलोसफिकल ट्रबल के अलावा साइंस का एटलीस्ट ये मानना है कि ऐसा नहीं है, यूनिवर्स हमेशा से यहाँ पर नहीं था, यूनिवर्स का एक स्पेसिफिक बर्थ डेट है। बहुत समय पहले कोई अर्थ ही नहीं थी और हम इसके बारे में कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसी हुई इसकी हम बात करेंगे जब हम बिग बैंग की बात करेंगे। अभी के लिए पहली हाइपोथेसिस हम रूल आउट कर देते हैं। दूसरी हाइपोथेसिस कि हमें किसी इंटेलिजेंट एक्सटर्नल बीइंग ने बनाया है, यह हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू हो सकती है, लेकिन मैं इस हाइपोथेसिस से उतना खुश और एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि ये हाइपोथेसिस हमें इस बात का सही जवाब नहीं देती कि आखिर लाइफ शुरू कैसे होती है। क्योंकि अगर गॉड ने या किसी एक्सटर्नल सोर्स ने हमें बनाया है तो फिर गॉड को किसने बनाया, मतलब बेसिकली ये जवाब नहीं मिलता कि लाइफ चालू कैसे होती है। क्या गॉड के अपने गॉड हैं या फिर गॉड के जो गॉड हैं क्या वो इनफाइनाइट टाइम से थे, ये फिलोसफिकल सोचने वाली बात है। तीसरी हाइपोथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग है जो कहती है कि लाइफ सिंपल एटम्स से बनते बनते अगर आप इनफाइनाइट टाइम दो तो इट कैन कम टू बी, मतलब सिंपल एटम्स से बनते बनते लाइफ कैन इवॉल्व और इवेंचुअली ये लाइफ फॉर्म इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि वो फिर ये सोचने लगते हैं कि हम आए कहाँ से हैं, जैसा कि ह्यूमंस सोच रहे हैं अभी। आज हम बात करेंगे कि साइंस का इस बारे में क्या कहना है। ये जो मिस्ट्री है लाइफ की, इसको मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज कहा गया है। हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की, जिसके कि लाइफ टाइम के वर्क के बाद उसकी बुक पब्लिश हुई थी ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज, उसकी जर्नी जो कि उसने अराउंड द वर्ल्ड ली थी 5 साल के लिए, एक शिप था HMS बीगल उस पर, और वो सारे बेसिक इंसाइट्स जो डार्विन को आए थे जिससे कि उसने अपनी थ्योरी दी थी। डार्विन से पहले के वर्क्स की बात करें तो डार्विन से पहले का जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि स्पीशीज़ जो है वो इम्यूटेबल है, मतलब कि ओवर टाइम चेंज नहीं होती, और बहुत समय पहले भगवान ने स्पीशीज़ को बनाया था जो कि तब से लेकर अब तक वैसे ही हैं, और बनाने में ऑर्डर भी था कि पहले प्लांट्स थे उनके ऊपर जानवर थे, जानवरों के ऊपर इंसान था, इंसान के ऊपर भगवान थे। इस जो एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट थे कार्ल लिनियस, उन्होंने ये काम चालू किया कि भाई हम कैटेगराइज करेंगे, हम कैटेगरी निकालेंगे और डेटा रिकॉर्ड करेंगे सारे जानवरों और ऑर्गेनिजम्स का। तो उन्होंने जब कैटेगराइज किया तो उन्होंने स्पीशीज़ डिफाइन करी। एक स्पीशीज़ वो होती थी वो सारे जानवर जो कि आपस में जिनके बच्चे हो सकते थे, दो डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती थी, उनके बच्चे नहीं हो सकते थे, और किसी एक स्पीशीज़ के खूब सारी वैरायटी हो सकती थी, जैसे जो है कई तरीके के कुत्ते होंगे या कई तरह की बिल्लियाँ होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन इन सब कामों के बाद भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि पहली बात तो ये कि अगर गॉड ने स्पीशीज़ बनाई हैं तो फिर इतनी सारी वैरायटी क्यों है स्पीशीज़ में, इतनी तरीके के चिड़िया क्यों हैं, इतनी तरीके के कबूतर क्यों हैं, इतने तरीके के बंदर क्यों होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरा ये कि जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ किसी एक जगह से क्यों आती है, मतलब हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये वाली चिड़िया अगर हम देख रहे हैं तो ये तो पक्का जो है मिडल ईस्ट से आई होगी, ऐसा क्यों होता था,
ऐसा क्यों होता है, तो ये सोचने वाली बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था लमार्क का, जो कि 1744 में बॉर्न हुए थे। लमार्क ने ये आर्ग्यू किया कि स्पीशीज जो है टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होती है, और प्राइमरली उनके जीवन का वर्क दो चीज़ों पर फोकस था। पहला तो ये कि एनिमल्स के कोई भी ऑर्गन होंगे, अगर वो उस ऑर्गन का बहुत इस्तेमाल करेगा तो वो स्ट्रांग होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हाथ का बहुत इस्तेमाल करूँ तो उसकी मसल्स डेवलप होती जाएंगी, और अगर मैं अपनी आँखों का इस्तेमाल बहुत टाइम तक ना करूँ तो वो जो है ग्रेजुअली वीक होती जाएंगी और इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएंगी। दूसरा वर्क यह था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है या उसके पास होती हैं, वो जो है उसके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मतलब बाय रिप्रोडक्शन वो प्रिजर्व हो जाती हैं और उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व रहती हैं। लमार्क का काम हालांकि थोड़ा इनकम्प्लीट था। फॉर एग्जाम्पल, उसने कुछ गलत एजम्पशन भी लिए थे कि एनिमल्स जो होते हैं वो ओवर टाइम कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और प्रोग्रेस की सीढ़ी में ऊपर चढ़ते जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस की सीढ़ी क्या है इसका कोई जवाब नहीं था। इनफैक्ट ये भी जवाब नहीं था कि एनिमल्स आखिर कॉम्प्लेक्स होने क्यों चाहते हैं, क्यों वो इस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, क्या ये मशीनरी है जो कि इवोल्यूशन को गाइड कर रही है, इसका आंसर नहीं था। प्राइमरली जो उनका सेकेंड लॉ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में पास हो जाती हैं, वो ज़्यादा उनकी लेगेसी माना जाता है। चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। 1809 में चार्ल्स डार्विन पैदा हुआ था इंग्लैंड में, और बहुत ही वेल्दी फैमिली में, बहुत रिच फैमिली में, और उनके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन डार्विन को नेचर से बड़ा प्यार था। डार्विन ने कैम्ब्रिज अटेंड किया और वहाँ पर उनको जो है उन्होंने विलियम पेली की बुक्स पढ़ी। पेली जो है उस समय बहुत फेमस नेचुरलिस्ट थे, और पेली का मानना यह था कि इंसान के ऑर्गन्स इतने ब्यूटिफुली डिज़ाइंड हैं कि ऐसा लगता है कि किसी हायर पावर ने हमें डिज़ाइन किया है। डार्विन जो हैं ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने आगे पढ़ना नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि उन्होंने एक ऑफ़र एक्सेप्ट किया कि HMS बीगल जो एक शिप जा रहा था उस पर अराउंड द वर्ल्ड सेल करेंगे। 1831 में बीगल इंग्लैंड से गया, और 2 साल के लिए उसे जाना था, लेकिन उसे 5 साल लगे वापस आने में। 5 साल तक वो मिशन चला। डार्विन उस शिप पर जो है बिना पे के नेचुरलिस्ट थे। शिप पर डार्विन ने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी एक बुक पढ़ी, जिसका डार्विन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। लायल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी बेसिकली ये आर्ग्यू करती थी कि धरती जो है वो किसी बाढ़ से या किसी कैटास्ट्रोफी से नहीं बनी है, बल्कि ओवर टाइम धीरे धीरे मोल्ड होकर और मॉडिफाई होकर बनी है। उसका मानना ये था कि जो है टाइम के साथ धीरे 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 चेंज होते होते धरती का सरफेस मोल्ड हुआ है। इस आइडिया ने कि जो है कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ इतनी धीरे धीरे चेंज होती जाती है कि बहुत लंबे समय में वो इतनी बदल जाती है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि कहाँ से आई थी वो, इस आइडिया का डार्विन पर बहुत इवोल्यूशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ा डार्विन पर। प्लस उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान जियोलॉजिस्ट की जो थ्योरी थी उसके एविडेंस पाए और उसे सच पाया। सिमिलरली डार्विन को इससे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो वेरियस जीव जंतु देखे थे अपनी ट्रिप पर वो बहुत ही अमेजिंग थे। फॉर एग्जांपल, गालापागोस आइलैंड में जब वो 1835 पहुँचे तो वहाँ के जो एनिमल्स थे वो बहुत ही यूनिक थे। फॉर एग्जांपल, ऐसी लिजर्ड्स थी, ऐसी छिपकलियाँ थी जो कि नदी में तैर सकती थी, और सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं लिजर्ड्स की वो ज़मीन पर रहती थी। वहाँ अलग अलग साइज़ और शेप के कछुए थे अलग अलग आइलैंड के, कुछ आइलैंड और तुम कछुओं को देखकर बता सकते थे कि ये वाला उस आइलैंड का होगा, ओवर साइज बड़े बड़े जो है कछुए। ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस जो हैं वो हैं डार्विन की ये चिड़िया फिंचेस। उस समय गलापागोस में डार्विन को आइडिया नहीं था कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन उनके स्पेसिमेन डार्विन अपने साथ इंग्लैंड ले आए, और जब एक फेमस रिसर्चर जॉन गुल्ड ने उन्हें इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने डिक्लेयर किया ये सब एक ही प्रजाति की हैं। तो इससे डार्विन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो चिड़िया देखने में बहुत अलग अलग दिखती थी, कुछ बहुत बड़ी थी, कुछ बहुत छोटी थी, किसी की बीक बहुत लंबी थी, किसी की बहुत छोटी। तो ये डार्विन को बहुत ही आश्चर्य हुआ जानकर कि वो सब एक ही प्रजाति की हैं, फिंचेज हैं सारी। 1836 में जब शिप वापस आ गया तो डार्विन ने सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन अपने कलेक्ट किए थे उन सबको इकट्ठा करके एक थ्योरी पर काम करना चालू कर दिया। मेन चीज़ें जो उनके पास थी वो ये कि सारी जो बर्ड्स के वो स्पेसिमेन लाए थे वो सब जो हैं एक ही कॉमन एंसेस्टर से बने थे, वो सब फिंचेस थी। दूसरा ये कि जो टॉर्टोइस थे वो
एक आइलैंड पर एक तरीके के होते थे और दूसरे आइलैंड पर दूसरी तरीके के होते थे, मतलब वो जो फैमिली थी एक आइलैंड पर वो सब एक कॉमन एंसेस्टर से बनी होगी। डार्विन खुद जो है बहुत एक्सपेरिमेंट में विश्वास रखते थे, लंदन में पिजन क्लब के मेंबर थे और जो है उस पिजन्स कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद डार्विन ने ये सब चीज़ें सही पाई कि फॉर एग्जांपल ओवर टाइम तुम पिजन को मॉडिफाई कर सकते हो और स्पेशली जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स पिजन में होती हैं वही उसके बच्चों में हाई चांस के साथ ट्रांसफ़र होती हैं। डार्विन की पहली बुक का चैप्टर इनफैक्ट यही है कि वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि उसमें डार्विन आर्ग्यू करता है कि कैसे इंसान ने ये मास्टर कर लिया है कि हम सिलेक्टिव टाइप के एनिमल ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे घोड़े पैदा कर सकते हैं जो कि बहुत तेज़ दौड़ें सिलेक्टिव ब्रीडिंग से, और हम ऐसे जो हैं कबूतर पैदा कर सकते हैं जिनकी की टेल बहुत सुंदर हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, रैंडमली खूब सारे एनिमल पैदा कर दो और फिर उनमें से वो एनिमल सिलेक्ट कर लो जिनके की फ़ीचर तुम्हें चाहिए और उनके बच्चे करते रहो, तो ओवर जनरेशन जैसा तुम्हें चाहिए होगा वैसा मिल जाएगा। तो ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि जब आप किसी चीज़ को इस तरह सिलेक्ट करते हो और उनके बच्चे करते हो जो फीचर आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। लेकिन नेचर में स्पीशीज़ कैसे इवॉल्व करती है, नेचर में तो कोई आर्टिफिशियली सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर ये सिलेक्शन का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये प्रॉब्लम बहुत अभी अनरिजॉल्व थी डार्विन के दिमाग में कि आखिर स्पीशीज़ चेंज क्यों हो रही है, आखिर कैसे एक स्पीशीज़ जो है सिंपल होते होते कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती है, इवोल्यूशन कैसे वर्क कर रहा है। इसका जवाब डार्विन को मिला थॉमस माल्थस जो कि एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पढ़ने के बाद। माल्थस का आर्ग्यूमेंट ये था कि कोई भी स्पीशीज़ बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती है और जो चीज़ें जिंदा रहने के लिए चाहिए जैसे कि खाना, लैंड या रहने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो लिमिटेड होते हैं। तो जब स्पीशीज़ एक पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई होकर इतनी सारी हो जाती हैं कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रहती हैं, तो हर कोई लड़ रहा होता है उन जो है रिसोर्सेज को पाने के लिए। अगर खाना लिमिटेड है तो हर कोई चाहता है कि उसे खाना मिल जाए वरना वो मर जाएगा। तो ऐसे केस में उन स्पीशीज़ के बीच लड़ाई यानी स्ट्रगल फॉर जिंदा रहने की लड़ाई चालू हो जाती है। ये सोचने के बाद डार्विन को उसके थ्योरी मिल गई फाइनली, कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन सोचा कि हो ये रहा है कि हर कोई लड़ रहा है और चाहता है जिंदा रहना, लेकिन जिंदा वही रह पाएगा जो फिट है। बेसिकली अगर मान लो किसी के बच्चे होते हैं और उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए जो कि ज़्यादा फिट हैं और ज़्यादा केपेबल हैं, उनके पास एडवांटेज है किसी भी कारणों से जिंदा रहने का, तो वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, और अगर वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तो उनके बच्चे ज़्यादा होंगे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उन्हें इस गेम में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं वो ओवर टाइम प्रपोगेट होती जाएंगी और उस टाइप के एनिमल ज़्यादा होंगे मेजॉरिटी में, और इस तरह स्पीशीज़ जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती जाएगी और ऐसी स्पीशीज़ उभर के आएंगी जो कि सक्सेसफुल हों गिवन इन्वायरमेंट में। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इवोल्यूशन को जो है ड्राइव करता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डार्विन की जो बुक थी वो 1859 में पब्लिश हुई थी। ऑलमोस्ट जीवन भर काम किया था डार्विन ने इस किताब पर, क्योंकि डार्विन को पता था कि उसकी थ्योरी इतनी माइंड बेंडिंग है और डार्विन बहुत ही साइंस वाला आदमी था कि जनता उसकी थ्योरी को कभी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऑलमोस्ट 50 साल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये बुक पब्लिश की थी। उसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे काम करती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ फैक्ट्स हम पहले मान लेते हैं। पहला ये कि किसी के भी स्पीशीज़ के जब बच्चे होते हैं तो वो रैंडमली वेरी करते हैं। माँ बाप के जब बच्चे होते हैं सेम माँ बाप के, तो कुछ छोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ जो हैं जिनकी इनकी आँखें ब्राउन कलर की होंगी, किसी की काले कलर की होंगी। सिमिलरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माँ बाप की वो बच्चों में हाई चांस के साथ जो हैं ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर माँ बाप बहुत लंबे हैं तो बच्चे बहुत हाई चांस है कि लंबे होंगे। तीसरा ये कि किसी भी स्पीशीज़ में रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और उनमें कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल चल रहा हो। अगर ये तीन अजम्पशन आप मान लें तो थ्योरी बहुत ही सिंपल ये बन जाती है कि स्पीशीज़ अगर रैंडम चांस से, आई रिपीट, रैंडम चांस से कुछ स्पीशीज़ ऐसी पैदा हुई जो कि जिनके पास एडवांटेज है किन्हीं कारणों से जिंदा रहने का, अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहने का, तो उस टाइप के जानवर ज़्यादा मेजॉरिटी में पैदा हो पाएंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ओवर मैनी जनरेशन्स ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स उन एनिमल्स में ज़्यादा पाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ एक जिराफ है और वो ऐसा प्राणी है जिसकी पहले मान लो बहुत छोटी गर्दन हुआ करती थी और वो जंगल में रहता था और जो है फल फूल बहुत ऊपर लटकते थे। तो अगर ऐसे इन्वायरमेंट में, और ये एक थ्योरी है कि ऐसे इन्वायरमेंट में अगर कोई ऐसा
बच्चा पैदा होगा किसी जिराफ का पहला, जिसकी नाक थोड़ी सी लंबी होगी, तो उसके पास ज़्यादा चांस होगा जिंदा रहने का, क्योंकि वो ऊपर लटके हुए फूल भी फल फूल भी खा सकेगा। तो उसके आसपास के सब दोस्त सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी लेंगे और मर जाएंगे, जबकि वो जिंदा रहेगा। तो उसके बच्चे होने के चांस ज़्यादा हैं, तो उसके जो बच्चे होंगे उनकी भी नाक लंबी होगी, और ओवर टाइम नाक लंबी 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 होती जाएगी, एज लॉन्ग एज कि उसे इस स्ट्रगल में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो। इस तरह से बेसिकली इवोल्यूशन वर्क करता है। फर्दर एविडेंस ये है, फॉर एग्जांपल, कि जैसे इंग्लैंड में जो तितलियां या मौत होते हैं, उनके उनके जो है इवोल्यूशन की बात करें, जनरली इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों साल पे वर्क करता है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस स्पीड अप हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड में ओरिजिनली जो मौत होते थे वो लाइट कलर के होते थे, और जो काले वाले होते थे उनका शिकार हो जाता था, क्योंकि जब ये जो है पेड़ पर रेस्ट करते थे तो लाइट कलर के पेड़ के बैकग्राउंड में डार्क वाला ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आउट करता है, तो उसे प्रिडेट कर लेते हैं, और वाइट वाला जो है छुप जाता है, तो उसे शिकार नहीं होता उसका। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि पॉल्यूशन हो गया, और पॉल्यूशन की वजह से पेड़ों का कलर थोड़ा डार्क हो गया, तो उस डार्क पेड़ के बैकग्राउंड में जो ब्लैक मॉथ थे उन्हें एडवांटेज मिलने लगा, वो छिपने लगे, और जो लाइट वाले थे वो स्टैंड आउट करने लगे। तो कुछ ही डेकेड्स में जो है काले वाले मॉथ 98% मेजोरिटी में आ गए। ये सब तो ठीक है, हमने ये आंसर कर लिया कि कैसे स्पीशीज ओवर टाइम ग्रेजुअली इवॉल्व करती है और कैसे नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है, लेकिन इसका आंसर हमने अभी दिया है कि कैसे दो स्पीशीज बन जाती है, मतलब कैसे एक मंकी एक बंदर जो है कैसे इंसान बन जाता है। इसका आंसर ये है कि भाई एक स्पीशीज क्या होती है, एक स्पीशीज बस ये होती है कि आप एक जानवर है, मान लो जो है कोई भी जानवर है, उसकी कुछ एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप इंसान देखकर बता सकते हो ये इंसान है, और जो है चिड़िया देखकर बता सकते हो ये चिड़िया है, लेकिन वो बहुत डिफर होंगी, लेकिन जो है एक एवरेज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनमें थोड़े वेरिएशन होंगे, कुछ लंबे लोग होंगे, कुछ नाटे लोग होंगे, तो एवरेज कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ओवर टाइम क्या होता है कि इन्वायरमेंट के प्रेशर की वजह से स्पीशीज मॉडिफाई होती रहती हैं। लोग मान लो हो सकता है लंबे होते जाएँ थोड़े धीरे 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 धीरे, लेकिन स्पीशीज इस तरह मॉडिफाई होती रहती हैं धीरे धीरे, वो तो ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है कि एकदम ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से पॉपुलेशन दो भाग में बढ़ जाए। मान लो कि बाढ़ आ गई और दो आइलैंड पर लोग अलग अलग बिछड़ गए, या फिर कुछ बंदर जो जंगल में रहते थे उनमें से कुछ नीचे उतर आए और जो है पैदल चलते चलते दूर चले गए। उस केस में ओवर मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या होगा कि इवोल्यूशन जो है इनको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाएगा, और ये जो बिछड़े हुए भाई थे ये इवेंचुअली इतनी दूर चले जाएंगे कि फिर ये बिल्कुल दो यूनिक स्पीशीज ही बन जाएंगे। तो इस तरह जो है दो स्पीशीज बनती हैं। कंक्लूड करते हुए, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जब पब्लिश हुई थी तो उसके बहुत जो है अपोनेंट थे, लेकिन आज ये पार्ट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर है, इसे साइंस माना जाता है, बहुत एविडेंस है, लेकिन फिर भी लोग जो है बहुत अपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आता है कि इंसान अगर बंदरों से बना है तो फिर बंदर क्यों है अभी भी। दूसरा ये कि हम जो है एवोल्यूशन को अपने सामने क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं एक डॉग का जब बच्चा होता है तो वो भेड़िया होता है, या बंदरों के बच्चे इंसान क्यों नहीं होते, मतलब हाउ मंकी इवॉल्व क्यों नहीं हो जाता मैन में। होपफुली आप समझ गए होंगे कि क्या क्यों ये जो है ऑपोजिशन सही नहीं है। जो तीन हाइपोथेसिस हमने डिस्कस करी थी उनमें से साइंस तीसरी हाइपोथेसिस एवोल्यूशन की सपोर्ट करती है, इंटेलिजेंट लाइफ जो है धीरे धीरे इवॉल्व होकर बन सकती है। फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं एवोल्यूशन के वो कई हैं, और ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। पहला तो ये कि लाइफ का होना मतलब कोई क्रिएटर होना ज़रूरी नहीं है लाइफ के होने के लिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि गॉड हो, लेकिन हो नेसेसिटी नहीं है। लाइफ कैन कम टू बी ऑन इट्स ओन, लाइफ खुद ब खुद जन्म ले सकती है सिंपल एटम से इवॉल्व होते 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 होते। दूसरा ये कि आप कोई भी हो, अगर आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप और मैं, अगर हम पीछे टाइम में बहुत पहले जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे किसी एक समय पर सेम मम्मी पापा थे, आप और मैं भाई या बहन है। अगर और ये मैटर नहीं करता कि आप जो हैं इंसान होना हो, अगर आप चिंपैंजी भी हैं, अगर आप जो हैं चिड़िया भी हैं, अगर आप जो हैं फिश भी हैं, अगर हम टाइम में जाएंगे, कभी मुझे 100 साल पहले जाना पड़ेगा, कभी मुझे 100 मिलियन साल पहले जाना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली हम पाएंगे कि एक टाइम पर हमारे
कॉमन एंसेस्टर थे। ऑल लाइफ, सारा जीवन जो इस प्लेनेट पर है वो कनेक्टेड है। अगर कभी इस प्लेनेट पर एलियन स्पीशीज आएंगी और वो ये जानना चाहेंगी कि हम कितने स्मार्ट हैं, तो उन्हें बस एक ही क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या हमने इवोल्यूशन फिगर आउट कर लिया है, और उस यार्ड स्टिक से वो पाएंगे कि हाँ हम इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू।